नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जिहाद के नाम पर कट्टरपंथियों के गंदे खेल को अब देश समझ रहा है। जिहाद के नाम पर हिंदू युवतियों का यौन शोषण करना और फिर से कट्टरपंथ की आग में धकेल देने का खेल देश समझ रहा है। हमने आपको ऐसी खबरें दिखाई हैं जब हिंदू लड़कियों की लाशें पेटी में मिली हो या फिर वो हलाला का शिकार हुई। इतनी खबरें सामने आई कि सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ा। कई राज्यों में कथित लव जिहाद कानून लाया गया। अब पूरे देश में इसे लाने की मांग चल रही है। जिहादियों के इस खेल के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी लव जिहाद के खिलाफ उतर आया है। पर सवाल यह है कि वाकई बोर्ड ऐसी बातें कर रहा है? क्या अक्ल के दरवाजे खुल चुके हैं? क्या नया सवेरा हुआ है या फिर खौफ है? सवाल इसलिए भी क्योंकि अभी तक कोई मौलवी या कोई मजहबी गुरु लव जिहाद के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आया और ना किसी ने फतवा जारी करने की बात कही। और जब सरकार ने सख्ती अपनानी शुरू कर दी तो बोर्ड ने मुस्लिम नौजवानों के लिए मुस्लिम समुदाय में ही शादी करने की अपील जारी की है। बोर्ड के एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने बुधवार को इस संबंध में एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें मुस्लिम नौजवानों, आलिमों और मुस्लिम बच्चों के माँ बाप के लिए एक अपील जारी की गई है। बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम लड़के लड़कियों का गैर मुस्लिम से शादी करना महजबी रूप ले से गलत है। शरीयत के मुताबिक ऐसी शादी को इस्लाम सही नहीं मानता। ऐसे में सवाल ये है कि शरीयत उस वक्त कहाँ चला गया था जब हिंदू महिलाओं की लाशें पेटियों में मिली थी? ये शरीयत उस वक्त कहाँ था जब सैकड़ों हिंदू लड़कियों को हलाला की आग में झोंक दिया गया? यह शरीयत उस वक्त कहां चला गया था जब जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों का शोषण हो रहा था? उस समय तक ये सब चुप क्यों थे? सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई इस बार फतवा नहीं जारी किया गया बल्कि प्रेस नोट जारी किया गया है। बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम से शादी करता है तो वो जीवन भर गलत करता रहेगा। बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम लड़के और लड़कियां दोनों ही गैर मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, ये गलत ट्रेंड है। जाहिर है कि यह गलत ट्रेंड है। अब ट्रेंड गलत है तो क्यों नहीं इस ट्रेंड को बंद करने के लिए बॉलीवुड पर सवाल उठना चाहिए? अगर ये ट्रेंड गलत है तो इसका प्लान हर जगह क्यों नहीं किया जा रहा? ट्रेंड गलत है तो फिर अब तक सब चुप क्यों थे? खैर, बोर्ड ने लव जिहाद को लेकर एक और बात कही। उनके मुताबिक बढ़ते मामलों की बड़ी वजह यह है कि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को इस्लाम की सही तालीम नहीं दे रहे। इसलिए बोर्ड ने मुस्लिम धर्म गुरुओं यानी आलिमों और मुस्लिम बच्चों के माँ बाप से अपील की है कि हर जगह अपने बच्चों को यही समझाएं कि सिर्फ अपने समुदाय में ही निकाह करें। बोर्ड को यहाँ से ये साफ करना चाहिए कि जबरन धर्म परिवर्तन ना हो, क्योंकि अब तक यही होता रहा है। हिंदू लड़कियों को मजहबी बनाओ, इस्लाम अपनाने का दबाव बनाओ और फिर शरीयत के हिसाब से निकाह करो। ऐसे में सवाल बोर्ड से है कि निकाह की बात तो उन्होंने कर दी, धर्म परिवर्तन के मामले पर कुछ भी क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्या ये नोट सिर्फ दिखावटी है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।